अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करूंगी। व्यूवर्स, बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन है। तो इस ट्राउज़र डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपने कैपरी के साथ का कपड़ा लेना है, और इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच तक लेनी है, और इसकी लंबाई हमने अपने ट्राउज़र के पेंचे से 5 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की। आप भी 4 से 5 इंच तक एक्स्ट्रा कटिंग करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने पिंटेक्स डालने हैं तो पिंटेक्स में हमारा कपड़ा जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब इसकी एक नोक को पकड़कर हमने इस तरह से तिरछा रखना है, और यहाँ पर हमने तिरछा पिंटेक्स डाल लेना है। पिंटेक्स की सिलाई व्यूअर्स आपने बिल्कुल किनारे पर रखनी है। ये देखिए, एक तिरछा पिंटेक्स हमने डाल लिया है। मैं आपको इसकी सिलाई भी दिखा देती हूँ। हमने ये देखिए बिल्कुल किनारे पर इसकी सिलाई रखी है। और इस तरह से हमने ये एक पिंटेक्स डाल लिया है। अब इसके साथ और भी हम पिंटेक्स डालेंगे, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि हमने कितनी मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ से हमने आगे की तरफ अब फैब्रिक को फोल्ड करना है, और 1.5 इंच तक हमने फैब्रिक को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर भी हमने तिरछा पिंटेक्स डालना है। ये देखिए, किनारे की सिलाई लगाते जाना है पिंटेक्स की हमने, फैब्रिक को डबल करके। अगेन हमने इसके साथ ऐसे ही 1.5 इंच तक फैब्रिक को फोल्ड करना है, और हमने तिरछे पिंटेक्स डालने जाना है। मैं व्यूवर्स यहाँ पर आपको 2 से 3 पिंटेक्स डाल के दिखा देती हूँ, बाकी पिंटेक्स भी आप सेम ऐसे ही डाल लीजिएगा। इतना ही गैप लेकर इस पर अब सारे के ऊपर मैं पिंटेक्स डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, पिंटेक्स हमने डाल ली हैं। तो अब इसके बाद हमने इसका रुख एक तरफ करके अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। ये मैंने इन पिंटेक्स को प्रेस से बिठा लिया है। अब इसके बाद हम इन पिंटेक्स के दूसरी तरफ हम पिंटेक्स डालेंगे। हमने क्योंकि यहाँ पर बॉक्सेस बनाने हैं पिंटेक्स के, तो इसके हमने इस तरह से, ये देखिए, हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है कि पिंटेक्स का रुख हमारी तरफ रहे। अभी व्यूअर्स आप देख ले, पिंटेक्स का रुख मेरी तरफ है, और इस तरफ भी ऐसे ही हमने तिरछे पिंटेक्स डालने हैं। ये एक हमने डाल लिया है। अब अगेन ऐसे ही हमने बिल्कुल बराबर मेजरमेंट लेकर, जैसे हमने उस तरफ 1.5 इंच तक गैप रखा था एक से दूसरे पिंटेक्स के दरमियान, उतना ही हमने यहाँ पर भी 1.5 इंच का गैप रखना है, और इस तरफ भी हमने पिंटेक्स डाल लेने हैं। व्यूअर्स, अगर पिंटेक्स पहले वाले जो हमने पिंटेक्स डाले हैं उन पिंटेक्स का रुख हमारी तरफ होगा, तो हमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी। अभी देखिए, पिंटेक्स का रुख मेरी तरफ है, तो बहुत इजीली हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से, और इस तरह से बाकी सारे के ऊपर भी आपने ऐसे ही पिंटेक्स डाल लेने हैं। तो ये इस तरह से 1.5 इंच के ये बॉक्सेस हमारे बन जाएंगे। ये सारे पिंटेक्स डाल लिए, अब इसको भी हमने एक तरफ रुक करके अच्छी तरह से प्रेस से बिठा लेना है। अब इसके बाद हम बुकरम कटिंग कर लेते हैं। तो बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच तक ली है, और बुकरम की लंबाई हमने अपने ट्राउज़र के पेंचे की जितनी ली है। मैंने यहाँ पर ट्राउज़र का पेंचा 18 इंच तक रखा है। अब इसके बाद हमने बुकरम के एक तरफ ये चौड़ाई वाली साइड पर हमने 1 इंच तक, और पूरी लंबाई में इस बुकरम के 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद व्यूवर्स हमने ये देखिए, कैपरी के इस यहाँ पर हमने जो निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर हमने एक सीधी लाइन लगा लेनी है। अब लाइन के इस तरफ हमने 1 इंच तक मेजरमेंट की थी, तो 1 इंच तक अब इस तरफ बुकरम है। अब इस लाइन के ऊपर आपने एक साइड से 2 इंच तक मेजरमेंट करनी स्टार्ट करनी है, और 2-2 इंच पर सारे अपने निशान लगा लेने हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इस तरह से बुकरम की गुलाई कर लेनी है। व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो इस तरह से अंदाजे से बुकरम की गुलाई कर सकती हैं, और अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप अलहदा से एक बुकरम का पीस लीजिएगा, और इसकी भी लंबाई ये देखिए 1 इंच तक, और चौड़ाई आपने 2 इंच तक इस तरह से ले लेनी है, और उसके बाद आपने इसे डबल कर लेना है, और इसको आपने इस तरह गुलाई में कटिंग कर लेना है। इस तरह से आपकी बिल्कुल बराबर गुलाई आएगी, और आपके पास एक पैटर्न कटिंग हो जाएगा, और आप इसको रख कर बाकी सारे आप इजीली अपना सारा बुकरम को कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बराबर मेजरमेंट करके आपको बार बार अंदाजे से
निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरह से व्यूवर्स, आपने ये सारा इस तरह से गुलाई में निशान लगाते जाना है। ये आप इस पैटर्न को रखते जाइएगा और अच्छे से निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद आपने इसी तरह से गुलाई में इनकी कटिंग कर लेनी है बुकरम की। ऐसे ही आपने ये पूरी पहले आपने निशान लगा लेने हैं, ताकि आपको निशान लगा लेंगे तो आपको अच्छे से आसानी होगी। और ये देखिए, अब मैंने ये तीन बुकरम के पीस इस तरह से गुलाई में कटिंग की है। इसी को हमने आगे की तरफ रखते जाना है और बाकी बुकरम भी ऐसे ही हमने कटिंग कर लेना है। ये देखिए सारा हमने ये बुकरम कटिंग कर लिया। अब इसको हमने अपने जो पिंटक्स वाला फैब्रिक था, पिंटक्स को बैठा कर उसके ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है उल्टी वाली साइड पर। अब इसके बाद अलहदा से मैंने ये लिया है बुकरम, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.25 इंच तक ली है। 1 इंच से आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है और 1.5 इंच से आपने कम ही लेनी है। और इसकी चौड़ाई हमने अपने पेंचे की जितनी ली है, लंबाई सॉरी। और यहाँ से ये देखें इस पैटर्न को हमने रखते जाना है, और यहाँ पर भी ऐसे हमने गुलाई में निशान लगा लेना है। लेकिन व्यूवर्स, आपने 1 इंच तक निशान लगाना है। हमने 1.25 इंच तक बुकरम लिया, तो 1 इंच से ऊपर जितना भी आपका बुकरम है वो आपने कटिंग नहीं करना वहाँ तक, ना आपने वहाँ तक गुलाई करनी है। ये देखिए निशान लगा ली है, अब हमने कटिंग कर लेनी है एक पैर तक आपने इस दूसरी वाली साइड से। ये देखिए इस तरफ से तो हम गुलाई कर लेंगे, और इस सीधी वाली साइड से आपने इन दोनों सारे जो बुकरम है उसको आपस में ज्वाइन ही रहने देना। सेंटर से आपने कटिंग नहीं करना कि आपके ये सारा बुकरम लैदा लैदा ना हो जाए। बस 1 इंच तक आपने गुलाई करनी है, बाकी आपने वैसे ही बुकरम को छोड़ देना है। अब इसको हमने अपने कैपरी के ऊपर पेस्ट कर लेना है। और ये देखिए व्यूवर्स, पिंटक्स को मैंने अच्छी तरह से प्रेस से बैठा लिया, और ये देखिए कितने प्यारे इसके ऊपर ये बॉक्सेस लग रहे हैं जो हमने पिंटक्स के बनाए हैं। व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो ये पिंटक्स वाला कपड़ा आप कंट्रास्ट कलर में भी यूज़ कर सकती हैं, मैंने सेम कलर ही लिया है। और इसकी उल्टी वाली साइड पर मैंने इस बुकरम को पेस्ट कर लिया जो हमने 3.5 इंच तक चौड़ाई में लिया था, और इसके दोनों तरफ आप देख लें 1/2 इंच तक फैब्रिक एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद मैंने ये 4.5 इंच तक फैब्रिक लिया है चौड़ाई में, और इसको हमने नीचे रखा है। और इसको आपने नीचे रखकर इसके ऊपर आपने ये देखे बुकरम वाली साइड बुकरम को ऊपर रखना है, और अच्छे से आपने बराबर कर लेना है पीस को। बराबर करने के बाद अब आपने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है इस तरफ गुलाई में। ये देखें यहाँ से आपने गुलाई में निशान सिलाई लगानी है, और बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। और ये देखें इतनी हमने सिलाई लगा ली। अब हमने एक पैर तक कपड़ा छोड़कर बाकी सारा कपड़ा हमने कटिंग कर लेना है, ताकि ये गुलाई में अच्छे से बैठ जाए। ज़्यादा कपड़ा होगा तो गुलाई नहीं अच्छे से आएगी। तो आपने ये देखे गुलाई में कपड़े को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने इसके सेंटर में भी कट लगा लेने हैं, ताकि नोक भी इसकी यहाँ से अच्छे से पलटी जाए। उसके बाद आपने ये देखे फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना है जो हमने सिंपल फैब्रिक लगाया था। और यहाँ से आपने हाथ की फिंगर की मदद से अच्छी तरीके से आपने गुलाई निकाल लेनी है इनकी बुकरम की। और उसके बाद हम इसको प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लेंगे। ये देखिए सारा हमारा बुकरम भी अंदर वाली साइड से कवर हो गया, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसे रेडी कर लिया। अब हम इसे प्रेस से अच्छी तरह से बैठा लेंगे। उसके बाद व्यूअर्स, आपने अपने कैपरी को लंबाई में 3 इंच तक कम कटिंग करना है, क्योंकि हम पिंटक्स लंबाई में लगाएंगे। और ये देखे कैपरी की उल्टी वाली साइड पर मैंने इस 1 इंच तक हमने जो बुकरम लिया था उसको भी पेस्ट कर लिया, और 1.5 इंच तक मैंने फैब्रिक ये देखे नीचे रखा है सिंपल। और लंबाई मैंने उसकी चौड़ाई 1.5 इंच तक ली थी, और फैब्रिक की लंबाई मैंने पेंचे की जितनी ली थी। और इसको भी सेम वैसे ही जैसे हमने दूसरा हमने रेडी किया पिंटक्स वाला फैब्रिक, वैसे ही हमने इसको भी रेडी करना है। ये देखें बुकरम के साथ साथ हमने गुलाई में सिलाई लगाते जाना है।
और उसके बाद इस तरफ भी हमने ऐसे ही एक पैर तक फैब्रिक छोड़कर बाकी सारा फैब्रिक हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमने इसके सेंटर में इस तरह से कट्स लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब हमने इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना है। और ये देखिए यहाँ से भी अच्छे से हमने गुलाई निकाल लेनी है और इसको भी हमने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये कैप्री को भी हमने प्रेस कर लेना है और दूसरी हमने पिंटेक्स को भी, ये देखिए प्रेस में निकाल लिया दोनों को और बहुत ही सफाई के साथ हमने अपना कैप्री रेडी कर लिया है। और व्यूवर्स अब हमने यहाँ से ये देखे कैप्री को ऊपर हमने पिंटेक्स वाले फैब्रिक को हमने नीचे रखना है और उसके ऊपर हमने कैप्री को रखना है। इस तरह सीधा हमने रखना है और नीचे वाली साइड से हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। और व्यूवर्स यहाँ से आप कोशिश कीजिएगा कि आपके ऊपर वाली फैब्रिक की गुलाई और नीचे वाली दोनों की जो बुकरम की गुलाई है वो बराबर आए, क्योंकि हमने इसकी बराबर ही मेजरमेंट की थी और बराबर ही हमने कटिंग की थी। अगर ऊपर और दोनों वाले बराबर आएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, नहीं तो आप अगर आपका थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तब भी आपका डिज़ाइन बस खूबसूरत ही लगेगा। और यहाँ पर आप ये देखें गुलाई के बिल्कुल एंड पर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ और नीचे वाली साइड से हाफ इंच तक मैंने कपड़ा सिलाई में लिया है। और इस तरह से हमारा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी है। व्यूवर्स आप ये डिज़ाइन दामन पर भी बना सकती हैं, स्लीव्स पर, कैप्री पर, कहीं भी आप ये डिज़ाइन बना सकती हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप छोटे साइज़ के बीट्स लगा लीजिएगा यहाँ पर किनारे पर और इन पिंटक्स की नोक पर भी। और अगर आप चाहें तो इस तरह बिल्कुल सिंपल भी रख सकती हैं, मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखने वाली हूँ। आप चाहें तो छोटे साइज़ के कंट्रास्ट कलर के बीट्स लगा सकती हैं। तो व्यूवर्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आज की मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आज का मेरा डिज़ाइन आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और व्यूवर्स अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और व्यूवर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।